आदरणीय मित्रों, जय माँ धरती। दोस्तों, आज एक सवाल आया है कि अपनी स्त्री को, वाइफ को, या अपनी हो कोई चहेती, उसे हम कैसे खुश रखें, वो हमेशा हमसे रहे खुश, इसके क्या उपाय हैं। तो भाई, कैसे कैसे सब सवाल लोग पूछते रहते हैं, लेकिन मुझे तो जवाब देना ही होगा ना। तो मित्रों, मैं इसके चार उपाय बताने जा रहा हूं, ठीक है। और अंतिम जो उपाय है ना, बहुत ही है दार्शनिक, बहुत गहरी बात है, वो आप जरूर सुनेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर स्त्री को खुश रखना है तो इसके उपाय, इसका जो पहला उपाय है, जो बहुत ही सामान्य बात है, वो है कि अपना लुक आप अच्छा बना के रखो, उसको अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। कुछ जो है अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ अट्रैक्टिव, कुछ अच्छा, कुछ लुक अच्छा बना के रखो, जैसा मेरा चेला रखा करता है, ठीक है। दूसरा जो है उपाय कि स्त्रियां जो है शारीरिक रूप से होती हैं थोड़ी सी वीक होती हैं, क्यों होती हैं ना, हाँ होती हैं, तो वे चाहती हैं कि उसका जो हो, उसका दोस्त तो हो, हस्बैंड हो, वो शारीरिक रूप से स्ट्रांग हो, तो ताकतवर बनो। अगर स्त्रियों को खुश रखना है तो अपनी शक्ति का भी जो है गाहे बेगाहे कीजिए आप दिखावा। कहने का भावार्थ है कि शक्तिशाली कार्य जो कि स्ट्रांग व्यक्ति ही कर सकता है, ऐसे कार्य भी करते रहिए बीच बीच में। तो अपने को रखिए हेल्दी, रखिए रखिए फिट, तो स्त्रियां आपको अधिक चाहेंगे, ठीक है। अब तीसरा है कि स्त्रियों को यदि खुश रखना है तो उन्हें बराबर कोई ना कोई गिफ्ट देते रहिए। कोई भी गिफ्ट हो, आवश्यक नहीं है कि भाई कोई बहुत दाम की चीज हो, महंगी चीज हो, ये आवश्यक नहीं है। एक फूल ही, एक तोड़िए लाल गुलाब और कह के दीजिए आई लव यू डियर, या जो भी आपका शब्द हो, वो आपकी इच्छा है ना, आमी तुम्हारे भालोवासी, या जो कहना है वो एज यू लाइक, आपकी इच्छा पर है। तो एक कोई न कोई जो है गिफ्ट बराबर देते रहने से क्या है कि रिश्तों में ताजगी रहती है बनी हुई, है ना, ना तो रिश्ते जो है होने लगते हैं क्या बासी। ध्यान रखना। और जो चौथी बात है, सबसे गहरी बात है, इस पर आप लोगों को विचारना है, क्योंकि मैं कोई बात यूं ही नहीं कहता, कोई न कोई उसमें ऐसी खास बात जरूर होती है, हर वीडियो में आप सुनना ऐसा। इसमें क्या है कि आपकी दोस्त, आपकी वाइफ, आप उसी स्त्री के साथ खुश रह सकेंगे जो आपके होगी वर्ण की। अगर आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण स्त्रियों के साथ ही आपका चल पाएगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, वैसे है तो वैसे, शूद्र है तो शूद्र, समान वर्ण की स्त्री के साथ आप अधिक खुश रह पाएंगे और वे भी आपसे अधिक खुश रह पाएंगे।
तो अब यहाँ पर जो है वर्ण क्या है भाई, इसको बहुत ही आप आम भाषा में समझो कि जो आपकी सबसे गहरी आकांक्षा हो, जो सबसे गहरी आकांक्षा हो वही आपका है वर्ण। जैसे कि शूद्र वर्ण है तो शूद्रों की बस एक ही गहरी आकांक्षा होती है कि बस जियो, अच्छे से जियो, बस उसकी आकांक्षा और बहुत बड़ी नहीं होती। तो जो ऐसे लोग होंगे कि किसी तरह हमें जीना है, अच्छे से जीना है, बस इससे ज्यादा कोई आकांक्षा ही नहीं है, तो वे शूद्र हैं। और ऐसी ही आकांक्षा की स्त्री से आप अपना संबंध बनाएं, चाहे शादी करें और दोस्ती करें, एज यू लाइक। अगर वैश्य हैं तो वैश्य को तो धन चाहिए, धन, ऐश्वर्य, भोग की वस्तुएं, ऐश्वर्य भोग। तो जिसमें सबसे अधिक गहरी भावना होगी, गहरी आकांक्षा, सबसे गहरी, उसको केवल धन धन चाहिए, उससे गहरा कोई अटैचमेंट नहीं है। और अगर वह क्षत्रिय है तो उसे धन नहीं, उसको नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए, उसको चाहिए यश, गहरा, सबसे गहरा भाव, सबसे गहरी आकांक्षा उसमें होती है नाम की। तो अगर वह स्त्री है ब्राह्मण तो फिर जो है ब्राह्मण में नाम और यश दोनों से भी गहरा भाव होता है, शोध, खोज, अन्वेषण, सेवा, लोकोपकार, ऐसी भावनाएं उसमें गहरी, सबसे गहरी होती। तो अपने वर्ण की स्त्री के साथ ही आप अधिक आनंदित रह सकते हैं और वो भी आपके साथ अधिक सुख अनुभव कर पाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये चार उपाय हैं, आप इन चारों को ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरे चिंतन की आवश्यकता है कि आप अपने आप को जो है क्या कैसे बनाएं कि उसे अच्छा लगे, उसकी जो सबसे गहरी आकांक्षा हो उसको पूरा करने में आप जितना सहायक होंगे वह आप से उतना ही ज्यादा संतुष्ट होगी। तो उसकी आकांक्षा क्या है इसको जानना होगा, धन है कि नाम है कि तो शोध है, लोक सेवा है, क्या उसके अंदर में सबसे गहरी आकांक्षा है, उसकी पूर्ति में आप बनिए सहायक, तो फिर वो आपसे ज्यादा से ज्यादा खुश रहेगी। धन्यवाद।